ऐसा था ये। पहले तो आप लोग हमारा चैनल जो है सुजीत जाखड़ मेडिसिन और फिजिक्स आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पहले वाले वीडियो जो देखने हो वो आप देख पाए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ टॉपिक से टॉपिक डिपेंड करता है तो समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। आज जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बाय सावर्ट्स लॉ का एक एप्लीकेशन है। जो लास्ट वीडियो था हमने बाय सावर्ट्स लॉ पढ़ा था, बायो सावर्ट्स लॉ के बाद हमने उस वीडियो के अंदर पढ़ा था उसका एप्लीकेशन। आज उसका एक एप्लीकेशन और आ रहा है जो मैं बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। आज मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ द स्ट्रेट कंडक्टर, कल किया था सर्कुलर कॉइल। तो ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेट कंडक्टर, ऑफ द स्ट्रेट कंडक्टर। फ्रेंड, अगर आपको इसका डायग्राम समझ में आ गया ना तो कॉन्सेप्ट बड़ा इजी हो जाएगा। और देखिएगा, मैं आपको किताबों से थोड़ा सा हटके तरीका बताऊंगा, मैं आपको किताबों से थोड़ा सा अलग तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने वो पैटर्न समझना है, ठीक। आप इजीली इसको कर पाएंगे, बड़े सिंपल तरीके से आप लोग इसको कर पाएंगे। हमारा कंसेप्ट रहेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द स्टेट कंडक्टर यूजिंग बायो सावर्ट्स लॉ। एप्लीकेशन है बायो सावर्ट्स लॉ का, याद रखना है। तो ये सबसे पहले स्टूडेंट जो चीज मायने रखेगी वो डायग्राम मायने रखेगा। जरा डायग्राम को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि मैंने एक स्टेट कंडक्टर ड्रॉ कर लिया, एक बिजली की तार है स्टेट इनफाइनाइट लेंथ। इससे यहां मैंने एक पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट हो गया हमारे पास पी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूं इसका डिस्टेंस हमारे पास हो गया ए। अब मैंने कहा कि यहां से ये हमारे पास एंगल हो गया फाई, पी जो बना रहा है वायर के साथ, और ये जो लेंथ है ये लेंथ कितनी हमारे पास, ये है एल, और ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री हो गया। अब देखिएगा, मैं कंप्लीट का इफेक्ट निकालने की बजाय मैं इसका छोटा सा कंपोनेंट ले लूंगा, डीएल लेंथ ले लूंगा, और ये एंगल बना रहा है थीटा, याद रखना है ए और ये पॉइंट बी। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया, मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, उस स्ट्रेट कंडक्टर से ए डिस्टेंस के ऊपर मुझे पी पॉइंट का डिस्टेंस जो हमारे पास ए डिस्टेंस है पी पॉइंट का, वह मुझे इसका इफेक्ट फाइंड आउट करना है। ये टोटल लेंथ एल थी, लेकिन मैंने स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ ये मान ली डीएल, और ये डीएल लेंथ जो एंगल बना रही है कितना बना रही है थीटा, और यहाँ जो एंगल जनरेट हो रहा है वो है फाई, और ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। ये तो आपको डायग्रामेटिकल एडजस्टमेंट याद रखनी है। और स्टूडेंट इसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करेगा, इसके अंदर से आई करंट फ्लो करेगा, आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट जब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो पहले तो आप इसकी वही कहानी लिख लेंगे जो मैंने बताया आपको, ए द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वी फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, डीएल इज द स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ, ये सारी बातें आप लोग लिख दोगे। उसके बाद आपको जो चीज याद रखनी है, और ये हमारे पास हो गया आर, इस बी पॉइंट का जो डिस्टेंस हमारे पास रहेगा। सबसे पहले आपको याद रखना है यूजिंग बायो सावर्ट्स लॉ। आपको याद है बायो सावर्ट्स लॉ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये बायो सावर्ट्स लॉ था जो हमने कल पढ़ा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई उसके बाद आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। स्टूडेंट बड़ा मजेदार कंसेप्ट है, ठंडे दिमाग से आप इसको सुनिएगा। तो स्टूडेंट मुझे यहाँ से तीन चीजें चाहिए, एक तो मुझे फाइंड आउट करना है डीएल, ये फाइंड आउट करना है, एक मुझे फाइंड आउट करना है थीटा, और एक मुझे चाहिए आर। मुझे तीन चीजें निकालनी है, एक डीएल, एक साइन थीटा, एक ओनली थीटा, और एक मुझे चाहिए आर। तो मैं क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल को मैं थ्राइस टाइम तीन बार मैं इस ट्रायंगल को ले लूंगा। सबसे पहले ट्रायंगल एपीबी, ये ट्रायंगल लिया हमने, तीन बार मैं सेम ट्रायंगल ले लूंगा, मैंने एपीबी ट्रायंगल मैंने ले लिया, याद रखना आप लोगों ने, सेम ट्रायंगल, बिल्कुल देसी मेथड बता रहा हूं मैं आपको, बड़ा अच्छा तरीका रहेगा अगर आप इसको समझेंगे। तो फ्रेंड यहां से देखिएगा, आप जानते हैं ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, जो ये तीन एंगल्स हैं इन सब का जोड़ कितना रहेगा 180। तो आप लिखेंगे थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180, आपको याद रखना है, इतना हमारे पास एंगल यहां से बनेगा। अब मुझे क्या चाहिए देखिएगा, अब यहां से मैं अगर फाइंड आउट करता हूं फाई, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा, तो हमारे पास फाई क्या बचेगा 90 माइनस थीटा, ये निकाल सकते हैं हम लोग। लेकिन हमें चाहिए क्या, लेकिन अगर हमें थीटा चाहिए तो आप इसको पलट दो, इसको इधर इसको यहां ले आओ, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 माइनस फाइव, जो
चीज आपको फाइंड आउट करने में आप लोग लिख सकते हैं। फाई चाहिए तो 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह चाहिए तो 90 माइनस फाई। मैंने रिजल्ट ये यूज कर लिया यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो यहाँ क्या चाहिए, मुझे रिजल्ट फाई में चाहिए तो थीटा निकालना पड़ेगा। उसके बाद स्टूडेंट इस ट्राइंगल के अंदर मुझे चाहिए आर। अब आप जानते हैं आर बाय ए, मैंने लिखा आर बाय ए, ये हो जाता है सेकेंड फाई। हाइपोपोन हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया, सेकेंड फाई हो गया। अब आप इसको मल्टीपल करेंगे तो ए सेकेंड ऑफ फाई हो जाएगा हमारे पास, याद रखना आप लोगों ने, आर भी आ गया। अब हमें चाहिए डीएल। अब देखिएगा इस ट्रायंगल के अंदर ये हमारे पास एल है, तो एल बाय ए मैंने क्या लिखा, एल बाय ए इज इक्वल टू टेंजेंट फाई, लिख दिया हमने परपेंडिकुलर टू मिस, एल बाय ए इज इक्वल टू टेंजेंट फाई। इसको लिखेंगे एल, मल्टीपल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको यहाँ ले जाओ ए टेंजेंट फाई। लेकिन मुझे चाहिए क्या, देखिएगा हमें चाहिए डीएल, तो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये बनेगा डी एल, ए टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर फाई इनटू डी फाई, आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट ये तीनों चीजें आपको यहां से पहले फाइंड आउट करनी थी, यहां से हमें डीएल चाहिए, यहां से हमें आर चाहिए, और यहां से हमें थीटा चाहिए। ये तीनों चीज हम लोग फाइंड आउट यहाँ कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ क्या करना है, ये तीनों वैल्यूज हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। अब ये तीनों वैल्यूज मैं यहां रखूंगा तो जरा गौर से देखिएगा क्या होगा। तो ये हो गया हमारे पास डीबी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ये हो गया आई। अब देखिएगा डीएल की जगह मैंने क्या रखना है, ये वैल्यू ए सेकेंड स्क्वायर फाई इनटू डी फाई। उसके बाद साइन थीटा, ठीक है ना, साइन ये हो गया, थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ये वाला 90 माइनस फाई, और डिवाइडेड बाय डीएल के हमारे पास आर, आर की जगह यहां हम लोग क्या रखेंगे, ए सेकेंड फाई का स्क्वायर मैंने रख दिया, याद रखना आप लोगों ने। अब यहां से आप इसको देखिएगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, फिर आई ये क्या हो जाएगा ए सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, ये सेम रहेगा। साइन 90 माइनस फाई क्या हो जाता है कोस फाई, और ये रहेगा ए का स्क्वायर, और यहां से सेकेंड स्क्वायर फाई, याद रखना आपको ये रहेगा। अब आपको देखना कैंसिल क्या हुआ, देखिएगा सेकेंड स्क्वायर फाई से ये कैंसिल हो गया, ए से के कैंसिल हो गया, तो हमारे पास चीजें क्या बचती है यहाँ, ये बचेगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई, यहां से आई बाय ए, और ये बचेगा कोस ऑफ फाई इनटू डी फाई, ये हमारे पास कंसेप्ट बचेगा, ध्यान रहेगा ये कंसेप्ट हमारे पास बचने के बाद। मैं देख रही तो नीचे वाला उसके अंदर आ रहा है कि नहीं, तो सुन अब इस चीज को मैं ना थोड़ा सा साफ करके लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको साफ करके। तो यहां से मैंने लिखा, जब इसको हमने काटा ना तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, मैं यहां से लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा नीचे हमारे बोर्ड पे अभी आ नहीं रहा कैमरे के अंदर। तो याद रखना है डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, फिर लिखा आई, उसके बाद ए, और फिर आएगा हमारे पास cos phi into d phi, ये लिख दिया हमने, किसको काटने के बाद हमारे पास ये बचा। अब हमें क्या करना, अब हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट। हमने यहां से इंटीग्रेशन किया और हमने यहां इंटीग्रेशन किया दोनों का, तो आप जानते हैं जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका b होता है, तो इसका मैंने लिखा b mu not upon 4 pi i by a आउटसाइड आ गया, तो यहां हमारे पास बच गया इंटीग्रेशन के साथ cos of phi into d phi। अब देखिएगा लिमिट मुझे ऊपर लगानी थी वैसे, लेकिन थोड़ी सी जगह कम बची तो मैंने लगाई थी, मैं यहां लगा रहा हूं। लिमिट मैंने लगाई माइनस फाई वन से फाई टू, यहां मैं लगा सकते हैं माइनस फाई वन से फाई टू, कारण क्या, एक एंगल हम लोग नीचे की साइड से देखते हैं, जैसे एक एंगल यहां से देखेंगे तो दूसरा ऊपर से देखेंगे, तो एक माइनस है तो दूसरा हमने मान लिया पॉजिटिव। तो देखिएगा क्या होगा, ये b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई i by a हो जाएगा हमारे पास। अब जानते हैं cos phi का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos phi का यहां से इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास sin phi minus phi 1 से phi 2, हम इसको ऐसे लिखेंगे minus phi 1 से phi 2। अब देखिएगा यहां से mu not upon 4 pi i by a, अब एक बार जहां भी phi है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लिखेंगे sin phi 2, फिर ये minus
माइनस लोअर लिमिट क्या है, माइनस फाइव वन ये रहेगा आपके पास लोअर लिमिट। अब आप जानते हैं माइनस साइन का ही निकल के आगे आएगा, तो हमारे पास ये रिजल्ट जो रहेगा ये रहेगा म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई बाय ए, यहां से रहेगा साइन फाइव टू और ये माइनस आगे आ जाएगा तो प्लस साइन फाइव वन। तो ये आपके पास रिजल्टेंट बचेगा स्टेट कंडक्टर का, दैट इज म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई बाय ए साइन फाइव टू प्लस साइन फाइव वन रहेगा। अब स्टूडेंट बात आती है हमारे पास केसेस डिस्कस करते हैं, मान ले इफ फाइव वन एंड फाइव टू आर इक्विवेलेंट टू 90, ये केस डिस्कस किया हमने, अगर फाइव वन फाइव टू दोनों 90 डिग्री हो जाए, अगर हमारे पास साइन वन भी कितना हो जाए, नहीं सॉरी फाइव वन फाइव टू दोनों 90 डिग्री हो जाए, तो देखिएगा रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, ये रहेगा म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई बाय ए। तो यहां देखिएगा साइन 90 रखेंगे प्लस यहाँ भी साइन 90 रखेंगे, आप जानते हैं साइन 91 होता है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई बाय ए ये 1 प्लस 1, तो क्या होगा हमारे पास, मैं इसी के सामने यहाँ लिख देता हूँ, तो रिजल्टेंट हमारे पास ये बचेगा बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू आई बाय ए, ये हमारे पास रिजल्टेंट बचेगा जो आपको याद रखना है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा मिलता है, बस उसके अंदर पता है क्या चेंज मिलेगा, ये टू से टू काट देगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेगा, लेकिन जिसने ये एप्लीकेशन ये केस नहीं पढ़ा होगा ना, तो वो ये सोचता रह जाता है यार आखिर ये आया कहां से, वो ये सोचता रहेगा कि हमारे पास वो फॉर्मूला बना कि म्यू नोट अपॉन टू पाई आई बाय ए, ये टू कटने के बाद ये फॉर्मूला बनेगा, तो हमारे दिमाग को ये चलता रहता है आया कहां से, क्योंकि स्पेशली इसको लिखा नहीं जाता एम्पियर सर्किटल लॉ में, तो हमें वो चीजें रटनी पड़ती है। तो आपको याद रखना है जब हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करेंगे ना, तो ये वाला फॉर्मूला जो स्ट्रेट कंडक्टर का प्रूफ है ये आपको याद रखना है। तो हमने कहा कि बायो सेवर्ट्स लॉ कल हमने पढ़ा था, बायो सेवर्ट्स लॉ का पहला एप्लीकेशन था सर्कुलर कॉइल, हमने पढ़ लिया था, स्ट्रेट कंडक्टर आपने ऐसे पढ़ना है। हालांकि बहुत सी किताबों में जो स्ट्रेट कंडक्टर दिया गया है वो और रेडियस इंटू एंगल के मेथड से दिया गया, आपने पढ़ा भी होगा और किस इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, वो मेथड थोड़ा सा गंदा हो जाता है, कुछ इस तरीके का होता है मेथड, हम नहीं पढ़ेंगे उसको, यू करके यहाँ से दिखा देंगे फिर ऐसे दिखा देंगे, ये बी एन स्मॉल हो जाएगा एंगल वगैरह दिखा के, वो बड़ा लेंथी सा और बड़ा गंदा सा मेथड हो जाता है। लेकिन ये मेथड आपको सिर्फ क्या करना है, पहले बायो सेवर्ट्स लॉ आपने लिखना है, उसके बाद आपने क्या किया, आपने फाइंड आउट करना है रियल थीटा और आर, ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद आपने तीन एंगल्स बना, तीन ट्रायंगल्स ले ली, ट्रायंगल सेम है और इसी ट्रायंगल के अंदर से हमें थीटा आर और डीएल रख के उसको सोल्व कर देना है, हमारे पास आंसर मिलेगा। तो याद रहेगा स्टूडेंट ये बड़ा ही मजेदार और जबरदस्त कंसेप्ट था जो आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाया है, आगे भी हम इससे भी और मजेदार और अच्छे अच्छे कंसेप्ट डेरिवेशंस न्यूमेरिकल और फॉर्मूलेज हम लोग आपके सामने लेकर आएंगे, बस आपको चीजों को समझना है। आपको कोई चीज समझने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका अल्टरनेट आपको कोई सॉल्यूशन हम लोग जरूर बताएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई स्पेशल टॉपिक आप करना चाहते हैं तब भी आप हमें बताएंगे। थैंक यू।